नमस्कार दर्शकों, जयगांव छठ पूजा कमेटी का नया कमेटी गठित किया गया। दर्शकों, इस समय आप सभी के समक्ष सीधे जुड़ रहे हैं भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव के साहू भवन से, जहां पे जयगांव छठ पूजा कमेटी के लिए एक विशेष सभा आयोजित की गई थी। और इस सभा में नया कमेटी जयगांव छठ पूजा कमेटी का गठन किया गया। आप सभी को बता दें कि इस मीटिंग में तमाम जयगांव के भोजपुरी समाज के समाजसेवी एवं युवा वर्ग सभी यहां पे उपस्थित थे। और इस मीटिंग में सभी के राय सम्मति से नया कमेटी बनाया गया। आप सभी को बता दें कि इस सभा का अध्यक्षता श्री आर एस गुप्ता जी द्वारा किया गया। और इस सभा में पारित कर नया कमेटी जो बनाया गया वो इस प्रकार है। जयगांव छठ पूजा कमेटी के नए चेयरमैन के रूप में कृष्णा कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया। वहीं वाइस प्रेसिडेंट के रूप में केदार प्रसाद शाह का नाम चयनित किया गया। आप सभी को बता दें कि जयगांव छठ पूजा कमेटी का प्रेसिडेंट के रूप में प्रवीण सिंह को प्रेसिडेंट बनाया गया। वहीं वाइस प्रेसिडेंट के रूप में मनोज शाह को बनाया गया। और साथ में सेक्रेटरी के रूप में विद्यानंद गिरी एवं जॉइंट सेक्रेटरी विक्रम चौधरी को बनाया गया। साथ में केशियर के रूप में राजेश चौधरी एवं जॉइंट केशियर के रूप में संजय शाह का नाम चुना गया। और साथ में जयगांव छठ पूजा कमेटी का चीफ एडवाइज़र के रूप में उन्नत जायसवाल एवं पवन जायसवाल उर्फ टिंकू जायसवाल को चयनित किया गया। आपको बता दें कि केवल इतना ही नहीं, इस मीटिंग में एडवाइज़र के रूप में आर एस गुप्ता, रमेश जायसवाल, आर के पांडे, बालचंद प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, आर के सिंह सभी को एडवाइज़र के रूप में चुना गया। आगामी दिन में छठ पूजा किस तरह से आयोजित की जाएगी और कहां पे इसका काउंटर लगाया जाएगा इस विषय में लेकर, टोकन के विषय में लेकर भी चर्चा किया गया, जिसके बारे में आने वाले दिनों में जानकारी दी जाएगी। चलते हैं, हम लोग अधिक जानकारी के लिए बातें करते हैं और आप सभी के समक्ष जानकारी साझा करते हैं। दर्शकों, बोलिए छठी मैया की। आज 1 तारीख को साहू भवन में संध्या 4 बजे जयगांव छठ पूजा कमेटी का एक मीटिंग हुआ, जिसमें आने वाले छठ पूजा के कार्यक्रम के ऊपर, कमेटी के ऊपर विशेष चर्चा किया गया। सर्वसम्मति से आज छठ पूजा कमेटी का गठन किया गया, जिसके सदस्य इस प्रकार है। आज के हम लोग का छठ पूजा कमेटी के जो चेयरमैन है वो है श्री कृष्णा प्रसाद गुप्ता जी, वाइस चेयरमैन है श्री केदार प्रसाद शाह जी, प्रेसिडेंट है श्री प्रवीण सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट है श्री मनोज शाह जी, जनरल सेक्रेटरी है श्री विद्यानंद गिरी जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी है हमारे श्री विक्रम चौधरी जी, ट्रेजरर है श्री राजेश चौधरी जी, ज्वाइंट ट्रेजरर है संजय शाह जी, और इस कमेटी के हमारे चीफ एडवाइजर और पुराने सदस्य श्री उन्नत जायसवाल जी और श्री पवन जायसवाल जी, जिनको टिंकू जायसवाल के नाम से सब लोग जानते हैं। साथ ही हमारे आज के जो समाज के जो सीनियर सदस्य है, जिनके मार्गदर्शन में सारे काम होता है जयगांव का, उनका नाम इस प्रकार है। आदरणीय श्री बालचंद प्रसाद जी, आदरणीय श्री आर एस गुप्ता जी, आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी, आदरणीय श्री रमेश जायसवाल जी, श्री राकेश पांडे जी, श्री आर के सिंह जी, और बाकी हमारे समाज के सभी सदस्यों का सहयोग मिलता रहे, ऐसा हम लोग कामना करते हैं। आज के इस मीटिंग में, गोष्ठी में,
सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि छठ पूजा कमेटी का जो प्रत्येक साल टोकन कटता था और उसके लिए काउंटर हमारे साहू भवन में एक जगह लगेगा, उसका सूचना आपको दिया जाएगा। टाइमिंग का सूचना हमारे इस कमेटी के जो अध्यक्ष है, सचिव महोदय है, वो मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी को सूचित करेंगे। सभी जयगांव वासियों को, सभी नगर वासियों को सूचित किया जाएगा जैसे जैसे होगा। और हम लोग का इसमें उम्मीद करेंगे कि प्रशासन से भी सहयोग मिले, जनता जनार्दन से सहयोग मिले, अपना समाज का सभी वर्ग से सहयोग मिले। और इस कमेटी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो आज कमेटी बना है। ये कमेटी उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में आपसी तालमेल बैठाते हुए और बहुत बढ़िया व्यवस्था करके हमारे छठ पूजा कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। धन्यवाद। राकेश पांडे, जयगांव से। आज जो है साहू भवन में छठ पूजा कमेटी के लिए जो है मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में छठ पूजा कैसे मनाया जाए, इसका कैसे रणनीति बनाया जाए, सारे ऊपर विचार किया गया और छठ पूजा कमेटी का गठन किया गया। यह हमारे बिहारी समाज का सबसे बड़ा पर्व है जिसमें हम लोग आपस में मिल जुल करके जो है नदी के घाट पर सूर्य भगवान का जो है हम लोग आराधना करते हैं। हम लोगों ने खास तौर से देखा गया है कि जो उगता हुआ चीज़ को सब लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन एक हमारा ही समाज है जो पहले डूबते हुए सूर्य भगवान को हम लोग पूजा करते हैं, उसके बाद में हम लोग उगते हुए सूरज का जो है अर्घ दे करके अपने यह पर्व का समापन करते हैं। ये बहुत बड़ा एक जो है संदेश है समाज के लिए, सभी के लिए। और हम आशा करते हैं कि हमारे समाज के सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग करेंगे, क्योंकि समाज के लोग का सहयोग से ही जो है यह कार्य संपन्न होगा। हम लोग आए दिन कहाँ कहाँ खर्च कर लेते हैं, लेकिन यह हमारे समाज का एक बहुत बड़ा पर्व है। इसके लिए क्यों ना हम लोग समर्पित हों, हम लोग बढ़ चढ़ करके जो है अपना योगदान करें। यही हमारा अपना समाज के लोग से एक निवेदन है, ताकि जो बच्चा लोग जो है यह पूजा के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनके ऊपर पैसे का बोझ ना आए, वित्तीय किसी प्रकार का बोझ ना आए, ये हम लोग के समाज के हर वर्ग को, हर लोग को सोचने का उत्तरदायित्व तो होता है। तो मैं दोबारा निवेदन करता हूँ कि इनको आप जो है आर्थिक रूप से पूरी सहयोग करने का मैं कामना करता हूँ और अपने शब्द विराम लगाता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।